हेलो फ्रेंड्स, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ 10 पीसी या फिर आपके विंडोज़ 10 लैपटॉप में आपके दिस पीसी या माई कंप्यूटर से अगर आपका डीवीडी ड्राइव जो है वो हाइड हो गया है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको कैसे रिस्टोर करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पीसी लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं उसको एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से जिस पीसी माई कंप्यूटर ओपन करके देखिए, हो सकता है कि वो रिस्टोर हो जाएगा। सो इसके बाद भी अगर आपको सेम इश्यू मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। फाइनल स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। विंडोज की प्रेस कीजिए, CMD टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रोमोट पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिए। एस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये कोड मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे कमांड प्रोमोट में इसको पेस्ट कीजिए। अगर आपका कोड कंट्रोल सी से पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद इंटर हिट कीजिए। इंटर हिट करने के बाद अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप यहाँ को एक मैसेज देखने को मिलेगा, द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा तो आप कमांड प्रोमोट को क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद फिर से आप अपना पीसी एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद जिस पीसी माई कंप्यूटर ओपन करके देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डीवीडी ड्राइव जो था वो रिस्टोर हो गया। तो इसको फिक्स करने का इजी एंड सिंपल स्टेप है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोज़ हम डेली आपके लिए लेके आते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है कमेंट सेक्शन में आप अपने डॉट्स को एक एक करके क्लियर कर